नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। लगातार प्रयागराज प्रखंड अंतर्गत जो है यहाँ नामांकन का सिलसिला जारी है और लगातार लोग नामांकन में इस बार ज़्यादातर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। भारत के संविधान में जो है राजनीति में भी आना एक बहुत बड़ी पहल है। लोग लगातार जुट कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कालपीर पंचायत से समिति क्षेत्र संख्या 4 से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ, फिर मैं बात करेंगे क्षेत्र में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ रहेगा आगे की रणनीतियों पर। पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शेखर कुमार शाह जी। शेखर कुमार शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव 24 न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ रहेगा समिति साहब, इस बार समिति के पद पर आप नामांकन कर चुके हैं, क्या कुछ रहेगा और पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ? विगत 5 साल पहले मैं प्रखंड प्रमुख रह चुका हूँ टेढ़ागाछ प्रखंड में, 2011 से 2016 के बीच में। अब 16 के बाद 21 तक तो मैं नहीं था, फिर आया हूँ। अब देखिए जनता जनार्दन क्या कर रही है, यदि मैं जीतूंगा तो फिर उस कुर्सी पर जरूर आसीन रहूंगा। जहाँ तक प्रमुख पद की बात है वो तो बात की बात है, पहले मैं ये कर लूँगा कि इस 5 साल के अंदर जो आपका रहा बीता वहाँ पे उस पंचायत में क्या कुछ व्यवस्था की गई समिति फंड से? मैं तो था नहीं, और था विपक्ष था, तो वह तो जनता बताएगी क्या किया नहीं किया। जनता इस संबंध में बता सकती है, वो मैंने हमारे पूर्व जो मैंने क्या था आपको पंचायत समिति रहे वो बताएंगे कि जनता के लिए कितना खरा उतरा है। मैं तो अभी विपक्ष हूँ, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि जो पंचायत में जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पाया या फिर उन पर खड़ा नहीं उतर पाया? कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए? तो किसी भी एंगल में पंचायत के किसी भी काम में वो खड़ा नहीं उतरा है। क्या सिर्फ समिति बंद करके ही रह गया? सिर्फ ओनली फॉर समिति बन के रह गया, मतलब सपना ही पूरा किया हो बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्या आपका मैनिफेस्टो क्या तैयार है, किस पे आप काम करेंगे, ये मुझे करना चाहिए? जनता के सभी कामों के लिए आगे पहले भी रहा था फिर लोग बताते हैं कि प्रखंड बहुत सा चार करते हैं, बहुत कम काम से आधा करते हुए बहुत करते हैं, कितना कुछ काम में मामला देख रहे हैं 2011 से 2016 के बीच में सभी की तरफ का प्रशासन के हावी होंगे या प्रशासन आपका होंगे ये तो समय बताएगा। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर आप हावी होंगे या वहाँ प्रशासन पर हावी होना ही पड़ेगा, जब तक प्रशासन पर हावी नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वो कैसे करेंगे आगे, क्या सब मीडिया कर रहे हैं, कैसे करेंगे? वह संविधान के अनुरूप रह करके करेंगे, संविधान से बाहर मैं भी नहीं जाऊँगा। भारतीय संविधान की संहिता उसी के हिसाब से करेंगे। अक्सर है अक्सर की अक्सर संहिता जो है पहले तो बात से ही नहीं होगा, तो बात से नहीं मानेगा तो उसके बाद देखा जाए कागज और कलम है कि नहीं है, कलम भी हो कागज है जिसे भी किया जाए। जिनमें प्यार में कई ऐसी सड़कें हैं जिनमें चीज़ें बना नहीं बनता क्यों, या ये हमारे पंचायत समिति भवन में जो राशि आती है तो लेकिन बर्बाद करनी है हमारे समिति को, उसमें हमारे उस तरह का नॉलेज नहीं था, समझे? ओनली फॉर समिति बन के रह गया, जिसका नतीजा हुआ कि हमारा क्षेत्र विकास भी नहीं हुआ। उन चीज़ों को लाने के लिए कैसे आप उस चीज़ को फ्रेंड लेकर कि नहीं ये चीज़ पहले करना है, आपकी प्राथमिकता पहली प्राथमिकता क्या है? तो कह दीजिए जनता के जो भी काम होगा उसको हम देख वो देखेंगे कि भाई हमारा पहली प्राथमिकता क्या है, उसके बाद पहली आवश्यकता आपके लिए मैंने रोटी कपड़ा और मकान तो पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी का नारा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ये भी कहा था उन्होंने रोटी कपड़ा रोटी कपड़ा और मकान था। अब तो अब लोग ना रोटी के लिए ललाई था, ना कपड़े के लिए ललाई था, ना मकान के लिए ललाई था, सबको रहने के लिए था मकान सब कुछ, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली लाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं रोजगार के बाद से वंचित हैं, ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है, घर घर ठोकर खा रहा है, भ्रष्टाचार यहीं पर हो रहा है, तो सब कुछ लगेगा। आपके यहाँ बाढ़ का समस्या अक्सर रहती है, बाढ़ की समस्या है, वहाँ GR राशि के नाम पर बहुत लूट चला है क्यों? उस टाइम नहीं थे क्या ये थे? अब लोग आवाज़ उठाए विपक्ष, मतलब विपक्ष में भी दम नहीं विपक्ष में थे, कहने का मतलब है कि हम लोग यदि रहे नहीं
हम लोग आवाज उठाए, आवाज उठाने के बाद करके दबा दे भ्रष्टाचार में नीचे से लेकर ऊपर तक सब चले। आप कहा क्या कीजिए? लास्ट सवाल, लाइव 24 न्यूज के माध्यम से लोगों क्या कुछ करना चाहते हैं? यही तो ना, क्या कहना चाहते हैं? मैंने यही कि यदि मैं आ जाऊंगा, यदि हमारी जीत सुनिश्चित है तो फिर आगे फिर आपसे मिलेंगे, तब आप बताएंगे कि हम मैंने अपने पंचायत में या प्रखंड में क्या तब्दीली लाए और क्या लाने जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। शेखर कुमार साहब से बात हो रही थी, इन्होंने जो मीडिया में बातें कही है ये हमारे कैमरा में रिकॉर्ड, ये बात उपलब्ध समझेंगे पंचायत में।